हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी की अगुवाई में, किरण चौधरी जी जो हमारी बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, उनके नेतृत्व में हम सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं। मैं आई हूँ, रणदीप जी ने आना था लेकिन तबीयत थोड़ी ख़राब होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारे यहाँ पर इतने साथी जो मौजूद हैं, गिनती नहीं है कि कितने साथी आए। जहाँ इकट्ठा हुए थे वहाँ पर आपने देखा, और इतनी कड़कती धूप में यहाँ सभी लोग 4-5 किलोमीटर चलकर आए हैं। मन में केवल एक जज्बा है कि मोदी सरकार को केंद्र में उखाड़ कर फेंके हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी को और मजबूती दें। मैडम कांग्रेस भिवानी में, मुझे बोलने दो पहले प्लीज़, भिवानी में हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी को मजबूत करें, किरण चौधरी जी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, लोगों की आवाज़ उठाएं। आज जो सारी जनता त्रस्त है, चाहे वो हमारे किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी, हमारा दलित पिछला वर्ग है, हमारे युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके साथ को क्या खिलवाड़ हो रहा है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन है, किसान मजबूर है आज के दिन। और अगर हम मिडिल क्लास की भी बात करें, शहरों की भी बात करें, ये प्रॉपर्टी आईडी जो इतना बड़ा स्कैम लोगों पर थोपा गया है, जो परिवार पहचान पत्र थोपा गया, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनके खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पर हम ना केवल बहन श्रुति चौधरी जी को लोकसभा में भेजेंगे, बल्कि सारी की सारी सीट किरण जी के नेतृत्व में विधानसभा में भी भेजेंगे। शैलजा जी इतना पसीना बहा रही है, इतना मेहनत कर रही है, कार्यकर्ता भी मानता कि शायद इस बार सरकार आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से भूत है, संसद बना हुआ कि सीएम कौन होगा, इसको लेकर ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा आखिर में हाईकमांड तय करता है, इसलिए हमको केवल कांग्रेस के सिपाही बन के सीएम मुझे बना दो। अब वो देखो अपनी अपनी इच्छा उनकी होगी, हमारी इच्छा तो कांग्रेस की है और राहुल गांधी जी के है। हमारा पहले दिन से ध्येय रहा है ये, मैं और मेरा की राजनीति कांग्रेस में नहीं चल सकती। कांग्रेस की, नेताओं की, नेतृत्व की, विचारधारा की और कार्यकर्ताओं की राजनीति ही चल सकती। कांग्रेस में फूट नहीं मानती आप, कोई किसी तरह फूट नहीं है, कोई फूट नहीं है। 20 तारीख को सद्भावना दिवस मनाया गया था, कांग्रेस के महज एक गुट के नेता वहाँ पर देखे गए थे। मुझे मालूम नहीं वो सद्भावना दिवस था या दूसरी कोई कुछ और नाम था उसका, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें ना तो बुलाया गया ना कुछ, और पहले दिन से नहीं, तो इसलिए गुटबाजी जो कर रहे हैं उनसे पूछो। आप नेता ने कहा है कि भाजपा आपस में लड़ पड़ी, मेरी गुटबाजी काफी नजर आ रही है सोनीपत में। भाजपा में तो है ही गुटबाजी, आप इनके मंत्रियों को देखो, इनके एमएलए को देखो, कांग्रेस में सवाल उठाए।